फूड इज़ रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो भी चीज़ यहाँ पे खाया हम लोगों ने बहुत बढ़िया था। आपका खाना तो बहुत महंगा है, डॉलर में है। डॉलर ये तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मतलब पराठा एक ऐसा चीज़ है कि अच्छा बना लेता हूँ मैं, पता है आपको? मतलब वो तो मतलब ये होता है मतलब बायाद का खेल टाइप, बायाद का खेल टाइप से। वी हैव ग्रोन अप ईटिंग पराठा। था अभी विंटर का सीज़न जैसे चल रहा है तो मटर का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा। गोभी का पराठा यार, गोभी का पराठा सो गुड है ना, मज़ा ही आ जाता है। लेकिन ये अच्छा है कि यहाँ पे पूरा आपके मणिपुर में आलू पराठा लोग बहुत शौक से खाते हैं। सॉरी, आलू पराठा बहुत शौक से खाते हैं। पराठा इज़ लाइक अ एग्जोटिक नहीं लेकिन स्पेशल ब्रेकफास्ट है। मतलब आज कुछ तूफानी ब्रेकफास्ट में मतलब प्रॉब्ली आई वुड मेक आलू पराठा। अच्छा चलिए, पराठा तो तैयार हो गया, अच्छे से सिक गया है, लाल हो गया है। सनायमा वाज काइंड एनफ टू अलाउ अस टू कुक इनसाइड द किचन है। और यहाँ पे आलू पराठा है, प्लेन पराठा है और ऑमलेट है। अच्छा बना हुआ है हाँ। और जो पराठा बनाया गया है वो घी में बनाया गया है। जो आलू के पराठे में स्टफिंग है वो बिल्कुल हल्की है, थोड़े से आलू है और कोई प्याज कुछ मसाला बिल्कुल भी कुछ नहीं। सो राइट नाउ वी आर इन विष्णु टेम्पल। This is the first ever Hindu temple in the Kanglai Park, which is all name of Manipur. And you can see this influence of Burma, I mean of the Burmese Thai side of thing. कि आप इसमें ये जो क्या बोलते हैं इसको जो डोम टॉप डोम है, सी इज लिटिल ड्रूपी, लाइक इट्स इट लुक्स लाइक अ हैट एंड इट्स नॉट वेरी मतलब ऐसा पॉइंटी शार्प नहीं है, इसे थोड़ा ड्रूप करके ऐसा आता है। यू विल सी द सेम स्टाइल ऑफ इफेक्ट इन अपना जो नया पैलेस है तो चोंगाबोन बोलते हैं हम लोग वहाँ पे, तो देयर ऑल्सो यू हैव दिस सिमिलर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और आप बर्मा वगैरह में भी जाएंगे ना आपको ये इसका जो थोड़ा ऐसा ड्रूपीनेस वाला जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो डेफिनेटली आप वहाँ पे भी दिखाई देंगे। सो दिस इज अभी इसमें तो कोई मंदिर वगैरह तो नहीं है, नीदर टू हैव नोन कि यहाँ पे कोई आके यहाँ पूजा करते हैं, बट दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेट्स से of the start of Hinduism here from the historical context, ये बहुत important है because of this Vishnu temple, ये जो जगह है इसको विष्णुपुर बोलते हैं, विष्णुपुर। So from that point of view, yes, this is a very important point. इम्फाल से नाम्बोल बाज़ार, नाम्बोल बाज़ार से बिष्णुपुर, और अब हम आ चुके हैं INA हेडक्वार्टर्स मोइरांग में। और अमोजी बताएंगे इसके हिस्ट्री के बारे में। तो ये ड्यूरिंग दी जब इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जी का जो फ्रीडम मूवमेंट में था, जब वो बर्मा से इंडिया के लिए वो लोग जब व्हेन ही वेज वॉर डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश, तो उन लोग का ये एक मेन प्लान था कि इंडिया में घुसने के लिए आफ्टर अंडमान निकोबर की ये चले आए। तो ये जो घर अपना जो दिखाई दे रहे ये उसका पहला हेड क्वार्टर था, उसका रीजनल हेड क्वार्टर बोलेगा या जो भी, बट इट्स दिस वाज हियर वेयर थिंग्स टू ऑपरेट फ्रॉम हियर। तो ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से ऐसा ही है, बट इन जनरल आप ऐसा देखेगा ये घर पे भी ना, दिस इज़ अ वेरी टिपिकल मैतेई हाउस, और जो मोइरांग का जो और अपना मैतेई का जो वेरी ट्रेडिशनल टिपिकल हाउस, तो वैसे ये मट्टी का रहता है और इसमें बड़ा सा घर, एक बड़ा सा कमरा रहेगा और उसके इसको क्या बोले हम लोग मंगोल बोलते हैं, जो वेरेंडा तो नहीं लेकिन उसका घर के दरवाज़ा से यहाँ तक जो जितना भी स्पेस है इसमें काफ़ी कुछ, इज़ वेरी लाइकली कि सुभाष चंद्र बोस जी वगैरह यहीं पे मीटिंग किया रहेगा, यहीं पे बैठा रहेगा, मीटिंग प्लेस, लिविंग रूम टाइप। हाँ, लिविंग रूम टाइप मतलब हाँ, तो दिस इज़ अ वेरी फंक्शनल प्लेस है। बट यस, दिस इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ INA और
यदि सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो लोग यहाँ तक तो आए थे। हम लोग फाइनली आ चुके हैं लोकटक लेक और यहाँ पे जो हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं उसके होस्ट मिस्टर दिलीप हैं और मिस्टर अमो आप इनको इंट्रोड्यूस प्लीज़ कराइए। तो दिस इज़ मिस्टर दिलीप और अपना बहुत खास दोस्त है और खास पार्टनर है लिविंग मणिपुर का। ये यहाँ का जो बोर्ड वगैरह है इसका मेन इसका जो एसोसिएशन है उसका की मेम्बर है। एट द सेम टाइम ही इज़ ऑल्सो अ वेरी की मेम्बर ऑफ द यूथ कमिटी एंड यूथ ग्रुप्स इन दी आइलैंड ऑफ करांग जो हम पीछे दिखाई दे सकते हैं। तो अभी हम उसके घर जाएंगे, ही इज गोइंग टू बी होस्टिंग अस और ये दिखाएंगे करांग और ये जो लोकताक का जो कम्युनिटी है यहाँ पे वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे उन लोग का लाइफ कैसे है, खाते क्या है और क्या हंसी मजाक में क्या क्या चीज़ होते हैं। सो वी आर गोइंग टू सी ऑल ऑफ देम टुडे एंड फॉर दैट वी आर वेरी थैंकफुल टू दिलीप भाई। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू। एंड इज या वेलकम काइंड ऑफ थिंग। या थैंक यू। हम लोग दिलीप जी के घर पहुंच गए। हाँ तो भी आए हैं, ये दिलीप जी का घर है और यहाँ पर अपना किचन गार्डन भी बनाया हुआ है। यस यस। या फूल गोभी किचन गार्डन, सरसों फिश फार्म भी है यहाँ पे। और ये तो है ही एंड यस सो हिज हाउस इज देयर। भूत बंगला। ये क्या है भूत बंगला? ये ओ ये भूत बना हुआ है। इसमें भूत बना हुआ है। क्या अच्छा लिखा हुआ है, इनामों की बौछार। बट दिस इज आई फाइंड मतलब काफी पबजी वाला भी। देखो खोलिए, पबजी भी है। पबजी में क्या है? मैं तो पबजी खेलता नहीं। ये रिंग्स लेटर्स है। लेटर्स हैं। अच्छा मेरे नाम का एक एक है। अच्छा चटर पटर खाने के लिए। तो ये पूरा जो गांव है पूरा टापू पे बसा हुआ है। यस। कितने परिवार रहते हैं इस गांव में? आई थिंक इसका पॉपुलेशन अराउंड तो 3000 के आसपास है। बड़ा गांव है। बड़ा गांव है मतलब काफ़ी डेंस भी पॉपुलेटेड है। और कितने मतलब घर हैं यहाँ पे? 300 200। हाँ अराउंड 200। और मोस्टली जो लोग रहते हैं उनका क्या पेशा है यहीं पे? पेशे मतलब ऑक्यूपेशन नो। हाँ तो मेनली यहाँ पे देखो लास्टली तो कम्युनिटी फिशिंग बेस्ड कम्युनिटीज है यहाँ पे और फिशिंग का जो इकोसिस्टम में जो है कुछ है जो बोच और जैसे दिलीप जैसे नए यंगर जनरेशन जो है वो यहाँ पे बोटमैन या इस इन सब का काम पे लगे हुए हैं लेकिन मैक्सिमम तो फिश में ही रिलेटेड है। और कुछ लोग जो है जो मतलब अभी इम्फाल वगैरह गए हैं बाहर, दे गो कैन लिव देयर बट पीपल हु आर सेटल्ड और पीपल हु आर एक्चुअली परमानेंट लिविंग हियर मोस्ट ऑफ देम आर एंगेज इन फिशिंग। तो यहाँ पे स्कूल हेल्थ सब फैसिलिटी है?
लेकिन उतना खास नहीं है बट स्कूल सिर्फ प्राइवेट स्कूल लाइब्रेरी स्कूल ओ देयर इज अ प्राइवेट स्कूल हियर बट मी आई एम गोइंग टम टम दे मी एम ले फक टम दे सो आई सो देयर इज अ प्राइवेट स्कूल हियर बट आई नो मोस्ट ऑफ द किड्स एक्चुअली दे गो टू मोइरांग और इन थांगा लाइक बोट लेते हैं फिर हो जाते हैं पेपर के फिर आते हैं बट देयर आल्सो बिकम्स रियल डिफिकल्ट लाइक हिज ओन डॉटर नो इज इन बोर्डिंग स्कूल इन थांगा मतलब वहीं पे वो साइड में रुका है तो लाइफ डिफिकल्ट है यहाँ पे लोगों को मतलब उन लोगों को भी ये एम्बिशन है कि बाहर जाके कुछ पढ़े कुछ करे क्योंकि एज यू नो हर जगह देखा ना फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स यू हैव टू कीप कमिंग ऑन ऑल द टाइम सो इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट दैट वे आई मीन इट्स वेरी नाइस एंड वेरी नाइस लुकिंग प्लेस लेकिन जीने के लिए थोड़ा हार्ड लाइफ कष्ट है आज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है ये 2 फरवरी को बनाया जाता है और हम लोग आए हैं लोकटक करांग आइलैंड पे और ये जो अवेयरनेस रेज करने के लिए यहाँ पे एक ऑन स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है जिसमें स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि लोगों को पता चले वेटलैंड्स के बारे में और अब समय आ चुका है कि वेटलैंड्स को रीस्टोर किया जाए नाउ वी आर बैक एट दिलीप्स हाउस इन करांग एंड वी कंटिन्यू आवर फूड जर्नी तो अभी दिलीप ही इज गोइंग टू मेक अ वेरी कॉमन स्टाइल ऑफ मणिपुरी फिश वेरी टिपिकल वे कोलंगा अतोई पर एंड टुडे द फिश दैट वी आर गोइंग टू कुक इज पुकलाउबी ऑल्सो कॉल्ड एज अ कमन काप और आप इसमें देखिएगा कि इसका जो पीसेस जो है थोड़ा छोटा छोटा काटा हुआ है ठीक है और ये अभी सुबह ही पकड़ा था इज अ फ्रेश कैच इन द लेक इटसेल्फ तो पहले सरसों का तेल कढ़ाई में गरम कर लिया सरसों का तेल बस्ट है और ये तेज पत्ता बे लीफ जीरा एक क्या था जिंजर पेस्ट गार्लिक प्याज नमक ये क्या है दिस इज अ मरुमरांग क्या क्या है कोरिएंडर है उसके बाद थोड़ा क्यूमिन भी है थोड़ा जिंजर गार्लिक का भी स्मेल आ रहा है पाउडर में आई थिंक आई कैन स्मेल अजवाइन एंड ऑल अजवाइन है उसमें कार्डमम भी है नहीं कार्डमम नहीं व्हाट यू कॉल दैट सिनेमन दालचीनी तो चिली पाउडर मोरक हल्दी सबसे अच्छा हल्दी आपके पूरे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में होता है पता है आपको मिस्टर अमो और वही मेघालय का क्या हल्दी माना जाता है बेस्ट इन इंडिया हाँ ये क्या है दिस इज अवापदी गोम नो दैट थाई कोरिएंडर अच्छा हम इसमें फिश डाल रहे हैं जो आपका पूरा करी बन गया है वन वे ऑफ डूइंग लाइक व्हाट ही डिड एडवांटेज आप पहले से पानी लगा के रखा है ना इसके आपको ज़्यादा स्टरिंग नहीं करना पड़ेगा तो उसमें ना शिमरिंग होके जो पीसेस विल बी मेंटेन इन द वे आई डू बिकॉज आई हम लोग इसको पहले ही से वो ऐसा करते हैं तो पीस टूट जाता है बट आई पर्सनली प्रेफर लिटिल मैश बट ही इज गोइंग टू ट्राई मेक टू मेक श्योर कि द पीसेस डोंट ब्रेक तभी उन्होंने बाद में डाला है बाद में भी हाँ दैट्स व्हाई ही मेड द दैट सॉर्ट ऑफ करी काइंड ऑफ थिंग फर्स्ट आज का जो मील है इसका मेन डिश है कि द स्टैंडर्ड डिश इज द गातोइबा दिस इज अ वेरी टिपिकल प्रिपरेशन ऑफ फिश इन मणिपुर ठीक है तो ये अपना मेन डिश हो गया अभी साइड्स में क्या क्या है साइड्स में
वी ऑलवेज हैव समथिंग स्पाइसी. ठीक है, तो ये इरोम्बा है. ओके, सो हियर वी हैव यूज देर इज़ अ लोकलाई करके, देर इसमें एक रूट है. ओके, जिंजर लाइक वो है. गलंगल? नॉट गलंगल, नहीं, बट या गलंगल के मतलब जिंजर गलंगल फैमिली में ही. दिस वन रूट मल्टीपल रूट दैट वी ईट, बट लोकलाई इज़ वन ऑफ देम. देन वी हैव यूज योंगचाक इज ऑल्सो देयर. इरोम्बा के सर हमेशा जाता है सम ड्राई फिश, dry as sukha like or fried fish, either of this, it can be either of it. Okay, he has gone his way of this one fried fish. Ye hai tilapia, tunghanbi yahan pe. So tunghanbi we generally don't cook it as a, we don't normally cook tunghanbi like this, but tunghanbi is normally we either dry it and eat it as dry fish or we fry it like this. Okay, ye fry kiya gaya hai aur ye hai isme to assorted chota chota fishes hai. Theek hai, to isme जो है श्रिम्स भी है इसमें, इट्स लाइक ना फिश प्लेटर टाइप है मतलब यहाँ का. ओके, इसमें श्रिम्स है, इसमें आई डोंट नो ऑल सॉर्ट ऑफ फिश आर देयर, बट इट्स अ मिक्स टाइप ऑफ फिश एंड इट्स गोइंग टू बी क्रंची व्हेन यू हैव इट. दिस इज हेंताक. हेंताक इज समवट, नॉट समवट बट इट इज इन द सेम कैटेगरी एज नारी. ओके, सो यू हैव दिस फिश, करमक फिश ने तो वैसे मुझे ओके so it's largely phabonga, like okay, it's like a it's not a very big kind of fish, but there are ek do chota type ka fish hai, aur ya to sometimes even for big fish ka usse head bhi dalte hai, usko sukha ke na dry roga, sukha ke you have to pound it. Okay, makhun ko se lagai nam se lagai fir uske baad na in that you also in that you put humu hata na humu ki karna tha. Humu is a plant, it's like a अरबी का जो आपने प्लांट देखा है तो उसका जो स्टेम, अरबी प्लांट नहीं पर अरबी जैसे एक प्लांट है वो काफ़ी बड़ा होता है. ठीक है, तो वो प्लांट का जो स्टेम है वो लगा के यू हैव टू अगेन मिक्स इट वेल, देन मकुंग मुसल थम बको एंड यू कवर इट एंड देन यू हैव टू उसको ना थोड़ा लाइटली हीट करके ना ऐसा रखते हैं. हाउ लॉन्ग कैम क्विक थम एकदम जा दे पुट अबाउट वन मंथ और सो. ठीक है, and then you get a somewhat feel like a let's say this is like a different type of ngari. It's not exactly ngari but it's a different type of ngari. So often purana time pe for ngari used to be matlab itna available to the lekin ngari was still you know kafi gharon pe easily accessible nahi the, to ye hentak wagera bhi you know it was a very big thing. And yes, today it's more of a exotic stuff kyunki hentak khana kafi kam ho gaya hai. और हमारे इम्फाल वगैरह में तो लोग आई मीन आई डोंट नो हम मीन्स मैंने कभी देखा नहीं, बचपन में किए होते थे लेकिन अभी नहीं होते, बट यहाँ पे दे आर स्टिल डूइंग इट. सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल आइटम. और नॉर्मली हम लोग अगेन अनदर थिंग है जो ये जो ग्रीन हम जो लेता है, ठीक है, दिस इज़ फ्रेश, दिस ये जो है सरसों का मतोन से कहीं नहीं, दिस इज दैट, दिस इज लाइक द शूज, नॉट शूज बट जो टिप का जो सॉफ्ट पार्ट जो रहता है ना, तो वही है ये. ठीक है, सरसों के ये जो फ्लावर्स वगैरह है, सो दिस यू आर गोइंग टू हैव इट लाइक अकोटपा. अकोटपा इज लाइक आप ये कर लो या जो कर लो, यू हैव इट मीन यू जस्ट हैव इट रो व्हाइल यू हैव यू लाइक व्हेन यू बाय अ चंक ऑफ दिस यू हैव इट अ चंक ऑफ दैट, यू नो, सो दैट्स व्हाट इट इज. एंड वे वन मोर डिश, दिस इज उती. ओके, अगेन दिस इज दिस मिरर ऑफ द कैन यू हैव इज दैट so it has got the mangal is a matar. Mangal, sorry, the matar, and there is a little bit of rice, and then it has got some vegetables of you know there's a herbs to it but normal vegetables. काफी डाला हुआ है. क्या बोलते हैं इसको? उती. खिचड़ी की तरह? खिचड़ी तो नहीं, खिचड़ी तो नहीं है ये, उती असंगब है. ठीक है, उसमें मटर है, उसमें एक्चुअली न करो हापरा कोई की पंखों में हापरा. हाँ, सो दिस ओके, दिस अनदर टाइप ऑफ अरबी प्लांट जैसा एक है जो यू शो दे, उसका ना पत्ता डाला यहाँ पे. ठीक है, दिस उती असंगब, इट्स लाइक उती इज वन ओके द टाइप ऑफ डिश, असंगब इज लाइक ग्रीन. ओके, सो इट्स नेम लाइक उती असंगब. दिस इज कैबेज ओनली. ठीक है, एंड देन आप ये सब खत्म करने के बाद वी वुड जैसे अपने हर खाने पे यू एंड विद समथिंग सावर in the Maitei palette of things, even in the hills as well. So this is made out of okay, this is made out of our local olive here, and this local olive is grown there. Mm. वहीं पे grow किया है, so वहाँ से आके वहीं से बनाया है.
तो पूरा ये जो खाना है पूरा मैतेई कम्युनिटी का है. या वी विल ईट समथिंग लाइक दिस. और पूरा फिशी मील है. या आई थिंक इट्स अ वेरी फिश फोकस्ड मील. फिश फोकस्ड मील. हां द ओनली थिंग जिसमें फिश नहीं है वो ये इसमें फिश नहीं है उसमें फिश नहीं और इसमें फिश नहीं बाकी तो फिश 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 फिशी है. और हम लोकताक आए तो ऐसा खाना खाना चाहिए बिकॉज दिस इज वेरी मच द डाइट ऑफ आर लोक ऑफ आर कम्युनिटी हियर इन लोकताक. तो यही है. एंड यस वी आर वेरी थैंकफुल टू दिलीप फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस. थैंक यू. काफ़ी मेहनत लगाए. हाँ पहले क्या खाया जाए. पहले जस्ट स्टार्ट विद दिस थिंग. डोंट हैव द होल थिंग जस्ट लीव अब उटी बहुत बढ़िया बना हुआ है. बिल्कुल थिक और क्रीमी है. नाइस नो. नाउ यू कैन ट्राई इरोम्बा. ये इरोम्बा हैव अ बिट राइस. वाओ इट इज स्पाइसी but a very strong flavor inside. This umami flavor. No, it's very spicy. But yeah, but one thing. See. But very flavorful. But you want to? I want to have this after this, na? After one thing, you have ye khane ka na. First have this. साथ में. साथ में नहीं. पहले आप ये लगा दीजिए. Then try this. Put it. So yeah. ये सब छोटा फिश है. एंड फिश बाय एवरीथिंग. एंड श्रिम्स. हाँ श्रिम्स भी है. सब मिक्स्ड है इसमें. प्याज लाल मिर्च के साथ में. टेक दैट बाइट इट. द कंट्रास्ट इन टेक्सचर कम्स इनटू प्ले एंड टेस्ट एज वेल. या ये थोड़ा स्मोकी फ्लेवर है इसमें. बट द हीट इज टू मच. ओके दिस इज द लास्ट थिंग. नाउ आप क्या करेंगे. द सेम थिंग यू डू इट. इरोम्बा ओनली. दिस इरोम्बा. मिक्स देम टुगेदर. दिस इज तिलापिया. वाओ दिस इज गुड. नाइस. अच्छा फिश है. हां नाउ इफ द हीट इज हाई. अबे आपका हीट थोड़ा हाई हो गया होगा. तो आप उठी खाने का. वही कर रहा हूं मैं. मेलो डाउन. And the boiled vegetables? And the boiled vegetables also something to change your palate. And then to, again to, it can also help you cool down the thing. Yeh fish bahut badhiya hai. Yeah. So generally, hum log kehte hai toh, like, you know, all this, the bones, you know. Acha fish hai. Generally, you try to eat the bone also, you know, then it's crunchy. Bahut hi badhiya khana bana hua hai. It tastes like rohu. Oh. Mild, sweet. You will have a little earthy taste. Pulao, you know, they normally have a little earthy taste to it. Very good. Bahut hi umda. Iska jo flavor profile hai na. वो थोड़ा बहुत नॉर्थ इंडियन स्टाइल से मिलता जुलता है. हाँ जिंजर गार्लिक प्याज अपना हल्दी नमक लाल मिर्च सब मिला के बनाया. एक इंग्रेडिएंट जो यूनिक लगा मुझे वो आपका लोकल कोरिएंडर था. हाँ उसका एक अच्छा नाइस हर्बल टाइप फ्लेवर है. ऐसे लेगा. इसको ऐसे लगाया. How is that? The strong, pungent smell and taste. Very strong. Very strong. मतलब बिल्कुल जाके एकदम nostrils में जाते हुए सर पे चला गया. Yeah. But it has the very tasty. I don't know. The very appetizing for us. How? Time to cream the palate. With some boiled vegetables. Yeah. Huh?
So when you have something like this strong. मैंने देखा है मणिपुर में एक बॉयल्ड वेजिटेबल होगा नॉर्मली कुछ ग्रीन्स होगा या है ना अकोटपा उसको अकोटपा बोलते हैं अकोटपा 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 मींस जैसे हम लोग जो बांधता है ना जैसे रोटी जैसे हम लोग जो करते हैं ना अकोटपा अकोटपा मींस वो होता है कुछ फ्राइड फिश होगा कुछ फर्मेंटेड फिश होगा कुछ फ्राइड होगा कुछ फ्रेश होगा है और कुछ आपका दाल हुआ या फिर मटर हुआ करी होगा है ना बटर मतलब कुछ बटर पीस करी होगा या फिर दाल होगा साथ में और एक रोमा तो मस्त है ही या नॉर्मली देखो ये आइटम और ये आइटम नॉर्मली होता ही होता है मतलब ड्राई फिश और ये और इरोम्बा तो इरोम्बा या सम चटनी टू बी ऑफ दैट गारी विल ऑलवेज बी देयर फूड इज रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड मतलब जो भी चीज़ यहाँ पे खाया हम लोगों ने बहुत बढ़िया था अब इसमें एक हेमतक था जो लगता है मुझे थोड़ा सा एक्वायर्ड टेस्ट है और मेरे लिए पर्सनली बहुत स्ट्रॉन्ग था बाकी जो भी चीज़ें हमने खाई बहुत मज़ा आया खाने में चलो अभी सिंस वी आर ऑलमोस्ट डन ईटिंग विद द फूड एंड लेट्स एंड द मील इन अ नॉर्मल टिपिकल मैथी वे इसमें शुगर सिरप है एंड देन स्पिन अराउंड योर माउथ दैट्स इट एंड बस वही है यू एंड विद स्वीट एंड सावर खाना बहुत स्वादिष्ट है और दिलीप जी का थैंक यू उन्होंने मौका दिया ये घर पे हम आ सकें और आके इतना उम्दा खाना इसका लुत्फ उठा सकें ये अपने खाने के लिए बना रहे हैं कि कस्टमर्स के लिए कस्टमर्स के लिए ये अपना छोटा बाजार है यहाँ का करंग का करंग आइलैंड ड्राइवर है आप बोट चलाते हैं बोट अच्छा हाथ वाला By the way, he is Pavum Khadrakpa. He is one of the very seasoned boatman. And he owns one of the nau. Nau chota hai. Diver main hai. Bahut mehnat karna padta hai. Very seasoned boatman. One of the oldest boatmen here. Respectable person. But he is very also very fun to be with. So he has been. Thambiro mein chaade laage. अब तो स्माइलिंग फेस है इनका मैं तो एकदम एक सिप में ही लगा अंदर तक जाके पूरा एकदम स्पिरिट जो है फैल गया हिला दिया बट इज अ नाइस टेस्ट दो आफ्टर इफेक्ट इज नाइस इट इज अ वेरी चाहो काइंड ऑफ थिंग हां ये चाहो राइस चाहो काइंड ऑफ थिंग इट इज बैक हां आफ्टर टेस्ट यू गेट इट
मैं वही सोच रहा था खाना खाने के बाद कि कितना आप लोग का जो खाना खाने का तरीका है बहुत ही सस्टेनेबल है. Yeah, in a way, yes. Huh? It's healthy, nutritious food which you eat. I think वो यहाँ के लोगों के मतलब physical well-being में दिखता है. Yes, yes, yes. और जगह भी ऐसा है ना, थोड़ा दूर है, थोड़ा little cut off है, तो आसपास के जो भी naturally जो मिलते हैं वहीं पर ही हम लोग का मतलब they rely more on that, no? तो यही है यहाँ का. But yeah, this is what it is. आपने बोला यही है यहाँ का, हिंदी में बोल दिया. हाँ, यही बोल दिया. This is what it is. It is what it is. क्वा? क्वा भी इतना अच्छा खाना हो गया. क्वा बनता है? क्वा तो बनता ही है. यहाँ बैठ जाओ. मैं मने कहा था चरंग जी राव. अरे आप में बैठो. अरे अरे आप रहने दो, आप रहने दो. चार लोग के लिए. अरे अरे आप रहने दो. अरे भाई चार लोग के लिए ये बड़ा बोर. यू स्टे स्टेबल मैन. कुछ नहीं होगा. अरे 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 कुछ नहीं होगा. पहले मैं उतरूंगा, आप बैठे रहो. नहीं नहीं, अरे बैलेंस, अरे बैलेंस, वेट वेट. यू कैन वॉक ओवर मी. आई विल गो फॉर मी. वेट वेट. नहीं नहीं, नो नहीं, यू विल फॉर, यू विल फॉर. You can actually walk on this. Yeah, yeah. You can make a house on this. Now tell me about Phumdi. So Phumdi, as you see, it's a biomass. These are all these plants ये जो यहाँ पे आप जो दिखाई दे रहे हैं ना, जो float कर रहे हैं. ये float कर रहे हैं. ये actually वो ऐसा हवा के वजह से, you know, इसके वजह से ऐसा इकट्ठा हो जाते हैं over time. तो ऐसा as they keep on making a bunch, तो ऐसा अपने आप ना ऐसा grow हो जाके ऐसा, you know, एक तगड़ा, एक मजबूत मतलब थोड़ा रिजिड वाला ये जो ऐसा सिस्टम हो जाता है. सो ये इसमें आप ऐसा मतलब यू कैन वॉक ऑन इट. मतलब इट इज़ फ्लोटिंग. सी हाउ इज ऑल फ्लोटिंग, बट देन इट्स वेरी, ये काफ़ी है. ये प्लांट है, इट्स लाइक अ वेजिटेशन. सर्टेन ऐसा थोड़ा पतला जगह पे नहीं, जस्ट कीप ऑन डूइंग, नो, पानी स्लोली कम्स इन, बट मतलब ये डूबेगा नहीं आपको. आपका शूज शायद वेट हो सकते हैं, दैट्स अबाउट इट. तो अपने यहाँ पे जो कैबुल लमजाओ है, यू नो, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, दैट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग आइलैंड. दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ द सिमिलर थिंग्स, सेम चीज़ है. तो ऐसा भर भर के नो मतलब सदियों से, लाइक फॉर मेनी ईयर्स, इफ यू जस्ट कीप पैकिंग इट, इट बिकम्स वेरी हार्ड एंड देन इट ऑल्सो ग्रोज. एक तो मतलब कॉम्पैक्ट होता है क्योंकि दूसरा फूम्स आता है, और दूसरा चीज़ होता है कि ये ग्रो भी कर रहे हैं ना, ये घास है, ये प्लांट्स है, तो अपने आप से भी जैसा रूट्स स्प्रेड होता है, प्लांट स्प्रेड होता है, तो यू नो इट बिकम्स लाइक दैट. तो काफ़ी मतलब फ्लोटिंग में भी काफ़ी बड़ा होता है. तो होल कैबुल लमजाओ इज लाइक दैट. सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड. इट्स अ ह्यूज एरिया एंड वही आइलैंड पे रहता है अपना जो जो एंटलर है, अपना जो ब्राउन एंटलर सगाई, द स्टेट एनिमल. तो वो खाली वही एरिया पे मिलते हैं. इट्स अ प्रोटेक्टेड रिजर्व फॉरेस्ट, आई मीन रिजर्व नेशनल पार्क है. बाकी एक तरह से वेस्ट ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं होता ना? नहीं नहीं, यही यूज़ भी करते हैं. मैन्यूर बनाते हैं इसका? नहीं नहीं, हाँ, एक तो मैन्यूर है. मैन्यूर इज द प्रोबली द लास्ट यूजेज ऑफ इट. यहाँ पे ना कुछ काफ़ी कुछ जैसे लोकले, जैसे हमने जो आज सुबह खाए थे ना, ये ऐसा फुमदी में भी ग्रो होता है. अनदर यूसेज की आप ये जो दूर पे देखो, आप यहाँ पे जितना भी जो बैम्बूज दिखाई दे रहे हैं ना, सो वन यूसेज ऑफ दिस इज, इसमें ज़्यादा अलग स्टाइल के फिशिंग होते हैं, बट वन ऑफ द फिशिंग दैट दे डू इज, ये जो बैम्बूज जो दिखाई दे रहे, वो लोग वहाँ पे लाइट लगाते हैं शाम को. तो यहाँ पे ना इसको जो आजू बाजू, इसको लाइट के बाजू में सब ट्रैप्स लगाता है, तो वो लोग शाम को ऐसा बोट्स में आएंगे, दिल पुट द लाइट, दिल सेट द ट्रैप. फिर अगले दिन ऐसा बोट्समैन आ जाएंगे हर डिरेक्शन से, यहाँ से, वहाँ से, वहाँ से, सब से आ जाएंगे.
फिर दे विल चेक द ट्रैप फॉर फिशेस एंड नॉर्मली फिशेस होते हैं उसमें और दैट्स अ वेरी मेजर लाइफ लाइन फॉर थिंग्स. सो बेसिकली लोकटाक में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज यूजेबल फॉर सम सोर्स ऑफ द अदर. मतलब फिश लेकिन इतना है इस लेक में. फिश तो है लेकिन आज जब बीच में था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ या, 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 या। उस कारण से काफी यहाँ के वेजिटेशन को उसका इम्पैक्ट भी पड़ा और तो अरे पानी आ रहा है ऊपर. नहीं नहीं इट्स ओके सो जस्ट कीप मूविंग ऑन. आई एम अंडरस्टैंड दिस टाइम नेक्स्ट जी हाँ. उसका फर्क पड़ा है. हाँ पड़ा है ना. सो देयर आर सो मेनी स्पीशीज नो जो बेसिन और थोड़ा लोअर डाउन स्ट्रीम में से यू नो ईयरली या जो भी उन लोग का जब ब्रीडिंग और का टाइम होता है वो ऊपर आके नो इन द लोकटाक पे ये होता है. मतलब यू नो वहाँ पे उसको जो चारा वगैरह जो है यही पे ब्रीडिंग करते हैं ना वो बंद हो गया क्योंकि वो स्ट्रिप ये हो गया. सी द थिंग इज लोकटाक इज अ शैलो लेक. ओके तो लोकटाक मतलब एक परमानेंट पानी यहाँ पे खत्म नहीं होता है. वाटर एक्चुअली फ्लोज आउट इन टू डायरेक्शन. वो साइड पे एक इथाई वाला साइड पे एक चला जाता है और ये जो लेमटाक वाला साइड में जो जहाँ पे जो हाइड्रल प्रोजेक्ट बने हैं तो वो साइड में चला जाता है. सो इट्स अ लिटिल इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव एंड अ वेरी फाइन इकोसिस्टम अराउंड हियर जिसमें आदमी है जानवर है यू नो एंड देर आर सो मेनी वेजिटेशन हियर व्हिच आर वेरी वेरी फाइनली बैलेंस्ड. मतलब बेसिकली व्हेन वी से वेटलैंड वी मीन दिस इंटायर इकोसिस्टम अराउंड हियर यू नो. अभी देखो लोकटाक में खुला पानी तो है ही लेकिन खुला ओपन वाटर से आगे भी देर आर सो मेनी एकरेज ऑफ लैंड ओके विच आर वेरी सेंसिटिव विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि लोकटाक में देखो होता है लाइक एज एनिमल वे टॉकिंग अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स वे टॉकिंग अबाउट संगाई वे टॉकिंग अबाउट वेरी फाइन स्पीशीज ऑफ फिश. ठीक है देन फिर वेरियस प्लांट्स अराउंड हियर फिश उसके ऊपर ये है अपना यू नो पीपल लाइक दिलीप people like you know this island of Karang which are very 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 surviving on the you know this isme economical reasons bhi hote hai right aur iske upar apne lokrak ka to kaise hai ki we have a historical and cultural balance bhi kyunki apna kafi apna jo sanamhi aur apna folklore ka myth mein hai gods and stuff are all related with water and fish around here so this is a very sensitive place and I think the world what we should be doing is in terms of trying to preserve it and not to exploit you know matlab indiscriminately exploit jo karte hain kyunki loktak generally attracts a lot of tourists but I think we should all be little more responsible in the way how we do things in terms of managing our waste and you know or any sort of activities jo yahi pe which can be hanikarak hai aapke. Main aapke baat se bilkul sehmat hu. Matlab jo zarurat hai wo zarurat ye hai ki jo ecology ka balance hai wo banaye rakha rehna chahiye. Yeah yeah ha अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं स्नेल्स जिसको हिंदी भाषा में घूंगा भी बोला जाता है. आज ये पहला एक्सपीरियंस होने वाला है कि जब मैं घूंगा खाऊंगा. तरवा में देखो इफ यू गो इनसाइड इट ऑलरेडी हैज द ग्रेवी इनसाइड इट. यू हैव टू सक इट अलोंग विद द ग्रेवी. दिस इज द पार्ट आई हैव टू ईट. दिस इज द पार्ट. सी मीठी